Assalamu alaikum everyone. Today I'm going to share with you how I remove these tough stains from white clothes, specifically socks, collars or cuffs. एक तरीका तो स्टेन रिमूवर यूज़ करने का है, लेकिन अगर आप स्टेन रिमूवर नहीं यूज़ करना चाहते तो उसके अलावा भी एक तरीका है जो हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरियल डिटर्जेंट. एरियल डिटर्जेंट का स्कूप मैं यूज़ करूँगी जितना मुझे एज़ पर द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स चाहिए. और दूसरी ट्रिक ये है कि आपने अपनी मशीन का टेम्परेचर सेट करना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. एज़ यू कैन सी कि मैंने अपनी मशीन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट कर दिया है और मैं इसको एक घंटे की साइकिल के ऊपर चलाऊँगी. सो फॉर 1 आवर एटलीस्ट आपने इसको चलाना है 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. और मैंने क्योंकि ड्राई साइकिल भी चलानी थी इसलिए मैंने ड्राई साइकिल भी ऑन कर दी. अगर आपकी मशीन में ड्राई साइकिल नहीं है तो आप सिर्फ स्पिन कर सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ द क्लोथ्स लुक व्हेन दे आर डन. आप देख लें, सॉक्स देख लें, मैं आपको कफ्स कॉलर्स भी दिखाऊंगी, कुछ और सॉक्स भी दिखाऊंगी. सो दिस इज़ अ ट्रिक दैट इज़ वेरी यूजफुल विदाउट यूजिंग एनी स्टेन रिमूवर. आपको महंगे स्टेन रिमूवर्स और इस तरह के डिटर्जेंट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. एरियल स्पेसिफिकली मैं वाइट कपड़ों के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वाइट कपड़ों के लिए एरियल बहुत ही अच्छा वर्क करता है. और अगर आप टेम्परेचर और ड्यूरेशन सेट कर लें जैसे मैंने आपको बताई है तो फिर आपको भी स्टेन रिमूवर यूज़ करने की इस ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो ये वीडियो बिल्कुल किसी फिल्टर या किसी इफेक्ट के बगैर है और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्लीन हो चुके हैं कपड़े. और स्पेशली मैं सॉक्स इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बच्चों के सॉक्स बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं. आई रियली होप दिस वीडियो हेल्प यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. खुदा हाफिज़.